हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ 4 जुलाई को प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश नोडल अधिकारी जनपद आजमगढ़ के रविंद्र नायक ने उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ सहदा ग्राम से किया। इसके पश्चात प्रमुख सचिव ने ग्राम पंचायत कोठरा मुसार बस्ती में पहुंचकर सहजन का वृक्ष भी रोपित किया। प्रमुख सचिव ने मुसार बस्ती के महिलाओं एवं पुरुषों से बात करते हुए बताया कि सहजन का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है। इसके फल की सब्जी को प्रयोग करने से शरीर बहुत सी बीमारियों से दूर रहता है। उन्हें कहा सभी लोग इसकी रक्षा करना व बकरी व अन्य जानवरों से बचाकर रखना। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस समय वृक्षारोपण सप्ताह चल रहा है, इसलिए सभी बस्ती के लोग अपने मृत पूर्वजों के नाम पर कोई न कोई वृक्ष अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बचाने, प्रकृति की रक्षा करने एवं मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन हेतु वृक्ष लगाना अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि पेड़ रहेंगे तो सभी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुसहर वर्ग के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार द्वारा दी जा रही आवासीय सुविधा, पेंशन सुविधा, विकलांग कल्याण की सुविधा, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अधिक से लोगों को स्वरोजगार से जोड़कर पलायन करने से रोका जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी आय के स्रोत में वृद्धि की जाए। उन्हें अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुसहर बस्ती में विशेष कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का 100% लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुसहर बस्ती के लोगों को भेड़ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय व भैंस पालन के लिए बैंकों सरकार द्वारा ऋण दिए जाने की व्यवस्था कम से कम ब्याज पर दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दोनापत्तल एवं अन्य छोटे मोटे उद्योगों को अपनाकर आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि भट्ठों पर जाकर ईंट बनाने व बाहर जाने से अच्छा है कि घर परिवार में रहकर स्वरोजगार किया जाए। प्रमुख सचिव ने कहा कि दारू शराब व अन्य बुरी आदतों से दूरी बनाए ताकि घर परिवार एवं समाज का विकास हो। के रविंद्र नायक ने मुसहर बस्ती के महिलाओं एवं पुरुषों से अपील किया कि 14 से 15 साल तक के सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने कहा कि समाज को जागरूक, सभ्य व विकसित होने के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शिक्षित होकर ही वर्षों से व्याप्त बुराइयों से मुक्ति मिल सकेगी। उन्होंने मुसहर बस्ती के पुरुषों से कहा कि रोजगार के लिए बाहर जाएं, परंतु बच्चों एवं महिलाओं को यहीं पर रखें ताकि उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ने मुसहर बस्ती के लोगों की समस्याएं भी सुनी व प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं के निस्तारित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि जिन पात्र लोगों को आवास, पेंशन व अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही है, उन सभी को सुविधाएं तत्काल दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव के साथ साथ मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, उप जिला अधिकारी सदर, परियोजना अधिकारी, खंड विकास अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरबार।